गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड पसीने की कमाई का पेज नंबर 10 तक समझ लिया था। अब हम इसके आगे समझेंगे, तो देखिए पेज नंबर 11 पर आ जाइए और देखते हैं। हमने समझा था कि राजा जी के पास ब्राह्मण देवता दो बार पहुँचते हैं, परंतु राजा जी उनको नहीं मिलते हैं। और जब वो तीसरी बार पहुँचते हैं उनके दरबार में, तो राजा जी क्या करते हैं, सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया था, अब हम आगे समझते हैं। तो देखिए, और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठाया, यानी राजा जी ने उनको प्रणाम किया और आसन पर प्रेम पूर्वक बैठाया। फिर नम्रता के साथ कहा, यानी मीठे शब्दों में कहा, महाराज आपने मेरी कुटिया में पधारकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, यानी आप हमारे कुटिया में आए, आपका आगमन हुआ, पधारे यानी आए या आपका आगमन हुआ, तो बड़ी कृपा की आपने आकर। मैं दो दिन आपको नहीं मिल सका, इसका मुझे दुख है, यानी दो दिन मैं नहीं आपको मिल सका, दरबार पर नहीं मिला, इसका मेरे को दुख है, यानी उनने खेद प्रकट किया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सॉरी हमने ये काम नहीं किया, वैसे राजा जी ने भी बोला कि मैं दो दिन तक नहीं मिला, इसका मुझे दुख है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, है ना, इसके लिए मैं आपसे क्या मांगता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप बताइए कि आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, यानी आपका हमारे घर में शुभ आगमन क्यों हुआ है, यानी आप किस लिए आए हो और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ब्राह्मण ने क्या कहा, राजन जो आप मेरी इच्छा अनुसार दान देना स्वीकार करें तो मैं कहूँ। उनने क्या कहा कि ब्राह्मण ने क्या कहा कि यदि राजा जी आप मेरी इच्छा अनुसार यदि दान देना स्वीकार करते हैं, तो आप यदि स्वीकृति देते हैं तो फिर मैं कहूँ। तो राजा ने क्या कहा, हाँ हाँ कहिए मेरे बड़े भाग, जो मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ। राजा जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कहिए, मैं मेरी बहुत सौभाग्य होगा कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। तो ब्राह्मण ने निवेदन किया, यानी ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि मैं कुछ और नहीं चाहता, आप अपनी कमाई में से मुझे 4 पैसे दान में दे दीजिए, जो आपकी खुद की कमाई है उसमें से आप मुझे 4 पैसे दे दीजिए। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा सन्नाटे में आ गया, यानी राजा जी एकदम क्या हो गए, चुप रह गए। ठीक है, उनको विचार करने लगे कि खजाने में जो अपार धन भरा पड़ा है उसमें सारा धन तो प्रजा की कमाई है, यानी राजा को ये चिंता हुई कि पूरा धन तो किसकी कमाई है, प्रजा की यानी जनता की कमाई है, अब मेरी मेहनत की कमाई तो एक कौड़ी भी नहीं, यानी एक पैसा भी उसमें मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, मैं ब्राह्मण को 4 पैसे कहाँ से दूँ। वो सोच में पड़ गया कि मैं ब्राह्मण को 4 पैसे कहाँ से दूँ। फिर राजा ने कुछ सोच कर ब्राह्मण से कहा, फिर उनने कुछ विचार किया और राजा से कहा, ब्राह्मण से कहा, ठीक है महाराज आप मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, एक दिन की यानी मोहलत यानी टाइम दीजिए, समय दीजिए, एक दिन का, कल आपको आपका मुँह मांगा दान दे सकूँगा, कल मैं आपको आप जो मांग रहे हैं मैं वो दे सकूँगा। क्या मांगा था उनने, 4 पैसे अपनी कमाई के, है ना, यानी राजा से बोला था आप अपनी खुद की कमाई के पैसे दीजिए। ठीक है, तो फिर उनने बोला ठीक है आप एक दिन का टाइम दीजिए, हम आपको मुँह मांगा इनाम, मतलब मुँह मांगा जो दान है वो दे देंगे। सुनकर ब्राह्मण कल आने के लिए कहकर लौट आया। ठीक है, क्या कहकर लौट आया कि अब हम कल आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये बुक में प्रिंट नहीं हो पाया है, गलत छपा है, यहाँ पे आना चाहिए
जब यानी ब्राह्मण घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने, है ना, पत्नी ने पूछा, ठीक है, कि ले आए दान। तभी ब्राह्मण ने ये बोला है कि ब्राह्मण ने कहा नहीं, कल देने को कहा है। तो यहाँ आपकी बुक में प्रिंट नहीं हो पाया है, बाय मिस्टेक। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, यानी पत्नी ने, वो घर पहुँचा ब्राह्मण तो पत्नी ने पूछा यानी दान ले आए, तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, कल देने को कहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।